मंदसौर में जहरीली शराब से मौत के बाद मुख्यमंत्री से मिले अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के निर्देशों के बाद रतलाम एसपी गौरव तिवारी ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है, जिसके तहत रतलाम जिले के सोहनगढ़ गांव में जावरा पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने सोहनगढ़ गांव से 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके 60 लीटर अवैध शराब और पैकिंग करने के लिए रखे गए हजारों खाली क्वार्टर बरामद किए। पुलिस ने आरोपी प्रभुलाल के खेत पर दबिश देकर यहां अवैध शराब पकड़ी तथा 2 अन्य आरोपी सुरेश और मोइन खान को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी मोइन खान द्वारा शराब में उपयोग की जाने वाली कार और प्रभुलाल का पिकअप वाहन भी जब्त किया है। सूचना पर पुलिस थाना रिंगनौद ने मंदसौर में दबिश दिया, जहां पर नरेंद्र सिंह चीफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया और नरेंद्र सिंह से पूछताछ करने पर उसने ये स्वीकारा कि मोइन के माध्यम से ये शराब बुलाया करता था और उसके घर के पीछे बने तहखाने में से पुलिस ने अराउंड 58 पेटी अवैध देशी शराब जब्त किया नरेंद्र के घर से। और इस घटना के बाद से मतलब नरेंद्र, ईश्वर और उसका एक साथी, ये 3 लोग गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन जो पायलटिंग करने वाला मोइन खान और उसका एक साथी ये घटना दिनांक से फरार था, इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था और इसके लिए एक SIT का भी गठन किया गया था। इस मोइन खान को गिरफ्तार करने में कल थाना IA जावरा पुलिस को सफलता मिली है। इसमें पुलिस थाना IA जावरा को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि सुरेश पिता प्रभुलाल पाटीदार निवासी सोहनगढ़ के बड़ायला 84 रास्ते पर अंबाखारी गांव पर अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री लगी हुई है, जहां पर कुछ लोग मिलकर नकली शराब बनाकर विक्रय करते हैं, जिस पर थाने की टीम रवाना की गई